हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था फ्राइडे इवनिंग से, लेकिन सैटरडे की हल्की सी क्लिप्स हैं, बाकी जो मेन व्लॉग है वो संडे का है। और ये मैं गई थी सिद्धार्थ को उसकी एकेडमी से लाने के लिए, क्रिकेट का उसने ज्वाइन किया है आफ्टर स्कूल, तो शाम तक वो आता है। और लंच मैं उसका इसीलिए पैक करके देती हूँ जो कि वो स्कूल से छुट्टी होने के बाद खा लेता है। और वापस लाने के बाद मौसम थोड़ा ठंडा था, उसको कुछ गर्मा गर्म खाने का मन था, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ही, उसने नहीं बोला, लेकिन मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे उसके लिए मैगी बना दी, चीज़ वाली। उसको बहुत पसंद है, एक स्लाइस या फिर एक क्यूब चीज़ का डाल दो, तो माँ को भी मैगी बहुत पसंद है, तो सिर्फ उसके लिए नहीं बनाई है मैंने, माँ के लिए भी बनाई है। दो पैकेट मैंने मैगी के यहाँ पर बनाए हैं, साथ ही चढ़ाई है पापा अपने माँ सबके लिए चाय। और पता है मैं अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाई हूँ, मुझे पता नहीं क्यों बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है शाम तक सिद्धार्थ का वेट करते रहना। और कई बार तो मुझे वो वाली वाइब आने लगती है जब बच्चे बाहर जाते हैं ना, तो मदर्स को जैसा फ़ील आता होगा कई बार, वैसा सोच के ना मुझे फ़ील आने लगता है, तो बहुत अजीब सा इमोशनल सा फील होने लगता है। कई बार ऐसा हो चुका है कि मेरी आइज़ टियरी हो चुकी हैं ये सोच करके, बट इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बच्चे दिन ब दिन बिज़ी होते ही जाएंगे जैसे जैसे बड़े होंगे। अरे भाई उसे लगता है कि नहीं, अवॉइड कर रहा है हमें, चाबी तो हमारे पास है, जा ना, जा जा जा। आज तक तो डेढ़ दो हफ्ते वाली में जो कीबोर्ड की छुट्टी है वो आज लूँगा मैं, डेढ़ दो हफ्ते में एक बार वाली, थक गया बहुत। आज मैंने साइंस का चैप्टर पूरी कोशिश की पूरा ख़त्म कर लूँ, पूरी एक्सरसाइज कर दी, बस तीन क्वेश्चन रहे तो पूरी। तुम्हारी मैम से ही बात कर रही थी मैं भी, ट्यूशन मैम से। क्या बोल रहा है? बताती हूँ, बताऊँ। और सिद्धार्थ को जाना था बर्थडे पार्टी में, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग गिफ्ट लाने गए थे। तो एक्चुअली जो रचना है ना मेरी फ्रेंड, उसके उसका जो बेटा है, आपने देखा होगा वीडियोस में उसको, तो 5 साल का हो गया है वो, उसका बर्थडे है। सिद्ध तो हो गया रेडी, बस उसका जो गिफ्ट है उसको रेडी कर रही हूँ मैं, विशेज़ वगैरह लिखना बाकी रह गया था तो बस वो लिख के दे रही हूँ। आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं 2:30 बज रहा है, आई थिंक 2:15 या 2:30 ऐसा टाइम हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ सिद्धार्थ के लिए चावल चढ़ाने। आज सुबह मैंने आलू और बैंगन टमाटर की जो सब्ज़ी बनती है वो बनाई थी, साथ में रोटी बनी थी, और कल का लेफ्ट ओवर कुछ कुछ था उससे हमारा जो ब्रंच है वो हो गया। अभी मुझे तो कुछ खास भूख नहीं है, बट सिद्ध और माँ के लिए मैं चावल चढ़ाने जा रही हूँ, और आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद मुझे सिद्धार्थ को लेकर जाना है उसकी क्लास करवाने के लिए, कभी कभी मुझे लेकर जाना पड़ता है, तो आज वही दिन है। और जब भी लेकर जाना पड़ता है ना मुझे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है, दो दो मेट्रो चेंज करो, रिक्शा करो, तब जाके आप पहुँचते हो। और फिर अगर मैं जब जाती हूँ ना तो मेरे यहाँ के सारे काम छूट जाते हैं, अब दोपहर से लेकर रात तक के सारे काम जब मेरे पेंडिंग हो जाएंगे तो सोचो मुझे आगे फिर कितने काम करने पड़ेंगे। और आज मैंने बहुत कुछ प्लान किया था, अभी मैं लेटे लेटे प्लान कर रही थी कि आज मैं गोलगप्पे बनाने वाली थी, एक्चुअली गोलगप्पे बनाऊंगी, और थोड़ी सी मटर रखी हुई है, उस दिन जो भिगोई थी ना ज़्यादा हो गई थी तो मटर रखी थी, तो मैंने सोचा गोलगप्पे बना लेती हूँ, उसका पानी बना लेती हूँ, और एक स्नैक्स टाइप का हो जाएगा इवनिंग में। बट कैसे बनाऊँगी, मुझे लगता है मुझे 7:30 या 7:45 बज जाएगा घर वापस आके फिर डिनर की तैयारी करनी पड़ेगी। बड़ी उलझन सी लग रही है, बट जाना तो पड़ेगा ही। बस अभी लंच बना दूँ, चावल चढ़ा देती हूँ, किचन में धुले बर्तन रखे हैं वो सब मैं अंदर कर देती हूँ, ताकि फिर जब शाम को जो हेल्पर है वो आए ना तो उसको दिक्कत ना हो। तो चलिए चलते हैं। कुछ 1:45 बजे हम लोग घर से निकले थे, और फिर घर पहुंचते पहुंचते
बहुत टाइम हो गया, 7:30 के करीब हम लोग घर वापस आए। तो फिर मैंने उसके बाद कुछ शूट नहीं किया और पहुंच गए हम सीधा संडे पे। संडे की सुबह है अभी, आज गुरु पूर्णिमा है, तो सुबह उठ के साफ़ सफाई करके नहा धो के पूजा, पापा तो पूजा करते हैं, हम लोग तो ऐसे ही, मतलब हमने कोई ऐसे गुरु नहीं लिया हुआ है, मतलब तो हम लोग तो नॉर्मल पूजा करते हैं, बट पापा ने गुरु को माना हुआ है, तो उन्हीं गुरु जी की फ़ोटो जो है उस दिन हम बनवा के लाए थे आज के लिए। तो किसी ने मुझसे पूछा भी था कि आप वो दिखाना फ्रेम जो आप बनवा के लाए हो, तो अभी मैं दिखा दूँगी आपको। फ़िलहाल पापा पूजा कर रहे हैं और हम लोग थोड़े बहुत काम। कल से प्लान हो रहा था गोलगप्पा बनाने का और समोसे बनाने का। देखो मैं तो फुल, मेरे साथ समोसे बना। ये देखो ये अलग ही कर दिए। गोलगप्पा सुनो, गोलगप्पे बनाने का और समोसे बना सकते हैं। जलेबी रहने दो, जलेबी किसी और दिन बनाएंगे। समोसे का फायदा क्या जब जलेबी में ले आओ? जलेबी ले आएंगे पापा। तो अभी सुबह सुबह बनाए हैं समोसा। हाँ सब बन जाएगा, इतना गोलगप्पा सब लोग मिल के काम करेंगे तो। खाने का ना गोलगप्पे खाने का मन है ना, तो गोलगप्पे बन जाएगा। कितना खुश हो रहा है, ही इज अ फूडी, बहुत बड़ा फूडी है ये। दोनों सुबह सुबह ही बना दोगे? हाँ अभी बना दूंगी। तो मैं यही सोच रही हूँ, सुनो कि ब्रेड भी मंगवा लेती हूँ इससे जा रहा है। अरे यार लेट मी फिनिश। सुनो मैं सोच रही हूँ कि ब्रेड मंगवा लेते हैं, तो एक एक ब्रेड खा लेंगे चाय के साथ में, ब्रेड बटर, और फिर अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा ना। मुझे कोई भी चक्कर नहीं है, मैं सादा रोटी और प्याज भी खा सकता हूँ। तो आप वही खाना फिर, ठीक है? कुछ मेरे लिए कुछ कभी तो बनाए ना फिर, ये प्रोग्राम रखे ना। जो प्रोग्राम रखना है हैप्पी विद, मेरी तरफ से फुल सपोर्ट। समोसा पकौड़ा, कितने कितने सीधे बनते हैं, फुल 100% सपोर्ट है मेरी तरफ से। आज संडे है, गुरु पूर्णिमा है, तो बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, खाते हैं। वैसे चेंज हो जैसे हवा का रुख। अच्छा तो फाइनल हो गया ना ये? हाँ। तो आप लेके आएंगे आलू, 2 किलो आलू लेकर आएंगे आप, पुदीना मिल जाएगा तो पुदीना, धनिया पत्ता मिल जाएगा धनिया पत्ता। आप फोन लेके जाएंगे मेरे से 500 ग्राम ब्रेड और बटर भी लेकर आएंगे आप। पुदीना 500 ग्राम 500 ग्राम पुदीना, एक बंच पुदीना बस, उसका वो आता है गड्डी आती है, एक गड्डी अंकल से बोल देना, एक गड्डी, गड्डी। हाँ क्या? धनिया पुदीना दोनों, धनिया पुदीना और... सबसे पहले गोलगप्पा बनेगा, समोसा साइड बाय साइड दोनों की तैयारी रहे। पहले आप सबसे पहले जाके नहा के आओ, सबसे पहले आप नहाओ और वो बाथरूम भी साफ। मैं बाथरूम साफ कर दूंगी तुम्हारे नहाने से पहले। नहीं आप भी तैयार हो, प्लीज अभी दादी को भी नहाना है मुझे। नहा लो ना, माँ अच्छे लगते हैं, नहा दो। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। आप नहाने जाओगे, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, पैसे दो। चलो आज की पार्टी में सारा सामान। नहीं नहीं वो मेरा पर्स है, उसमें से निकाल लो चेंज, तुम्हारे में चेंज नहीं है, 500 का नोट है, उसमें से चेंज ले लो। बैग का चेंज है वो मत यूज करो, रखो कभी काम आएगा, मेरे पास है ना इधर पैसे। ब्रेड बटर जल्दी जल्दी बताओ क्या लाओगे? ब्रेड बटर, एक एक गड्डी पुदीना और एक क्या बोलते हैं और 2 किलो आलू। पुदीना के साथ क्या था? धनिया। देखो पहले कितने पैसे हैं, 200। तुम बिल्कुल पापा पे गए हो बेटा, उनको 3 आइटम बोल के भेजो तो उसमें से 2 भूल जाते हैं, वो एक ही लेकर आते हैं और दूसरे के लिए बात करते हैं। आइटम ये 2 ही बोलती हो तुम, तीसरा जब मैं सामान वापस लेकर आता रहता हूँ तब बोलती हो भूल गया, मेरे को इतना याद रहता नहीं है कि क्या बोला था क्या नहीं। आपको याद नहीं रहता है, मैं बोलती पहले ही हूँ। एक आइटम जोड़ देती है जानबूझ के। दुष्टम दुष्टाए लोग हैं मेरे घर में। बैग लेके जाना बेटा। कितने पैसे रखे हैं तुमने, काउंट किए? 400 का क्या करेगा मेरे भाई? डेरी से कुछ और लाना है? नहीं डेरी से पिटाई लानी है, मैं बहुत मारूंगी। अब जल्दी बताओ तुम, रिपीट करो क्या क्या लाना है जल्दी से। सबसे पहले डेरी के आइटम रिपीट करो। पहले धनिया, 2 किलो आलू, फिर पुदीना, फिर डेरी में बटर, ब्रेड, दही और आइसक्रीम। पापा यहाँ पे अपना पूजा कर चुके हैं और अपना भजन कीर्तन लगा के मोबाइल में और सुन रहे हैं बैठे हुए, थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं, वो सुबह भी लगाते हैं थोड़ी देर रोज, प्रसाद में केले वगैरह चढ़ाए। और ये है पापा जी के गुरु जी, आप देख सकते हो यहाँ पे फोटो।
और बस मैंने तो ऐसे ही प्रणाम कर लिया दूर से, क्योंकि पापा अभी बैठे हुए थे तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी मैं। और फिर मैं चली गई सीधा किचन में खाने पीने नाश्ते की तैयारी करने के लिए। और सुन तो लिया ही आपने आज क्या बनेगा, और अभी तो बस हम ब्रेड खाने वाले हैं। माँ बना रही है चाय और पोता बना रहा है ब्रेड। जब तक मैं नहाने गई थी माँ ने इधर चाय चढ़ा दिया था, सिद्धार्थ ने अपना ब्रेड खोल करके सेकना वगैरह स्टार्ट कर दिया था कि मैं ब्रेड बनाऊंगा आज। उसको कुकिंग करने का सुबह से ही मूड है, सुबह से बोल रहा है मम्मा मेरे को काम दो, मेरे को आज कुकिंग करने का मूड हो रहा है। तो काफ़ी कुछ हेल्प भी करवाई उसने पूरा दिन में। हमने चाय के साथ ब्रेड खा लिया था बटर लगा करके, और पापा ने खाया था दूध और ब्रेड। तो ये अभी हमने थोड़ा सा बस ऐसे ही नाश्ता कर लिया है हल्का सा कि एकदम से भूख ना लगे। और फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया चाट पकौड़े जो आज हम बनाने वाले हैं। मुश्किल से मुश्किल काम चाहिए तुम्हें। काम कर लूंगा प्लीज, आज मेरा बहुत मन है। आलू छिल गए, अब आलू को एकदम मैश नहीं करना है, थोड़े मोटे टुकड़े भी होने चाहिए। स्पून से करना, हाँ हाँ जल जाएंगे, बहुत गर्म होता है अंदर से। समोसा एंड गोलगप्पा पार्टी। सिद्धार्थ एंड सिद्धार्थ की दादी इज वेरी एक्साइटेड। माँ भी चटरपटर और पोता भी चटरपटर। वैसे मैं भी चटरपटर हूँ, पर हाँ पर दादी पोता ज्यादा चटरपटर हो आप दोनों। दादी पोता आराम से बैठ के खाने की बातें कर रहे हैं, गोलगप्पा समोसा की बनता हो सुन रहे हैं हम सब यहाँ से। तो चलिए बनाते हैं सूजी के गोलगप्पे, जिसके लिए मैंने एक कप सूजी ली है। और एक कप सूजी में हम 1/4 कप या तो आटा मिला सकते हैं और या तो मैदा मिला सकते हैं। तो 1/4 कप के हिसाब से मैंने मैदा ले लिया है, और बस इसे आपको थोड़ा गर्म पानी से ना गूथ करके तैयार करना है। थोड़ा तेज़ गर्म पानी चाहिए, गुनगुने से ऊपर पानी होना चाहिए। पानी ना थोड़ा थोड़ा करके डालना, एकदम से यानी कि बहुत सारा पानी आप ऐड कर दो, क्योंकि हमें इसका सख्त डो बना के तैयार करना है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालो। तो मैंने ये छोटे से कप में पहले थोड़ा पानी ले लिया है, और ये पूरा पानी लग गया था। उसके बाद फिर 1-2 टेबल स्पून पानी और इसमें लगा था, बस इतना ही पानी लगा था। बहुत ही धीरे धीरे करके मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि बिल्कुल ज़्यादा ना हो। सख्त डो आपको बना लेना है। 1-2 मिनट के लिए आपको इसे चिकना करना है डो बनाने के बाद, और उसके बाद फिर आप इसको रेस्ट पे छोड़ दीजिए 15-20 मिनट। कभी भी सूजी वगैरह का कुछ भी बनाते हैं तो उसको थोड़ा रेस्ट पे हमें छोड़ना चाहिए, ताकि वो अच्छे से फूल जाए। आटा इधर रेस्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ मैंने समोसे की तैयारी स्टार्ट कर दी है। सोचा मैंने यही है कि एक बार जब मैं कढ़ाई में तेल चढ़ाऊंगी तो उसके गर्म रहते रहते ही मैं गोलगप्पे और समोसे दोनों फ्राई करके निकाल दूंगी। इसीलिए दोनों की तैयारी मैं साइड बाय साइड इस तरीके से कर रही हूँ, ताकि दोनों चीज़ें एक टाइम पे मेरी तैयार हो जाएं। गोलगप्पे तो आप बेल बेल के रखते जाओ, पूरे पहले एक बार इकट्ठे कर लो बेल के, उसके बाद उनको सेकना होता है। लेकिन समोसे ना मेरे को थोड़ा सा इजी लगते हैं, इसलिए क्योंकि 4-5 समोसे एक बार आप बना लो, स्टफ़ करके तैयार कर लो, फिर उनको आप कढ़ाई में डाल दो, उनमें ही आपको कम से कम 15-18 मिनट लग जाता है फ्राई करने के लिए। तो आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप दोबारा दूसरा बैच तैयार कर पाओगे।
पूड़ी गोलगप्पे रोटी वोटी इनकी तरह नहीं होता ना कि आप एक बार बेल रहे हो फिर उसको बना रहे हो फिर तुरंत आपको बेलना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। आपने एक बार कढ़ाई में डाल दिए समोसे तो आप 15 से 18 मिनट के लिए फ्री हो और आराम से अपना नेक्स्ट बैच भर के तैयार कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे समोसे एक बार में ही फिल करके रखो। तो चलिए यहाँ पे स्टफिंग के लिए क्या क्या तैयारी मैं कर रही हूँ वो दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जिंजर ग्रेट किया है, एकदम महीन करके हरी मिर्ची काटी है, फिर मैंने थोड़ा सा सौंफ लिया, धनिया के मैंने बीज लिए हैं और इनको दरदरा करके आपको थोड़ा सा कूट लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़े से लेने हैं धनिया के पत्ते और ये सौंफ और धनिया के साथ उसको भी कूट लेना है थोड़ा सा नमक डाल करके, और एक बढ़िया दरदरा सा पेस्ट आपको बना के तैयार कर लेना है। कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है जिसके अंदर मैं हरी मिर्च डालूंगी, सबसे पहले ग्रेटेड जिंजर ऐड करूंगी, फिर हम इसके अंदर जो पेस्ट हमने बना के रखा है ना सौंफ का, धनिया का और हरे धनिए का, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। तो कुछ ऐसा दरदरा फाइन सा पेस्ट आपको बनाना है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इतनी बढ़िया खुशबू आती है ना धनिया वगैरह की, जैसे ही आप तेल में डालो। थोड़ा सा पानी ज़रूर इसमें डालें क्योंकि ये सारी चीज़ें एकदम ड्राई ड्राई हैं, बहुत जल्दी जल जाएंगी और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो पानी पहले ऐड कर दें एक दो चम्मच, और पानी ऐड करने के बाद ही फर्दर आप इसमें मसाले डालना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैंने इसमें काला नमक डाला है, सफ़ेद नमक डाला है, फिर मैंने डाला है गरम मसाला, ये जो मैं डाल रही हूँ ये है अमचूर खटास के लिए, फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, और फिर ऐड करेंगे हम थोड़ा सा इसके अंदर जीरा का पाउडर, थोड़ा रोस्टेड जीरा भी डाल सकते हैं और अगर ऐसे मसाले वाला जीरा है तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अभी ये सारी चीज़ों को अच्छे से भून लीजिए, थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिए ताकि ये जले नहीं, बस अच्छे से आपको खुशबू तेज़ खुशबू आने तक आपको भून के तैयार कर लेना है। फिर हम इसके अंदर मटर ऐड कर देंगे, तो 1 कप मैंने मटर लिया है, फ्रोज़न मटर है ये, साथ ही मैंने 1/4 कप के आसपास लिया है यहाँ पे पीनट, कच्ची पीनट है, इनको मैंने दरदरा थोड़ा सा कूट लिया है, ऊपर से छिलके थोड़े हट जाएं, फिर हम इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे, हल्का सा भूनेंगे, फिर पानी डालेंगे, नमक ऐड करेंगे और इसको ढक करके छोड़ देंगे पकने के लिए। मटर को हमें फुल्ली जब तक वो कुक नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर पका के तैयार कर लेना है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ तो भाई बीच बीच में आके हेल्प कर ही रहा है, तो पूछा उसने आकर के कि क्या करवाना है, तो एक तो मैंने उससे आलू मैश करवा लिए और दूसरा यहाँ पे पनीर के छोटे छोटे टुकड़े चाहिए थे मुझे समोसे में डालने के लिए, तो वो मैंने बोला कि तुम मुझे चॉप करके दे दो। तो बड़े खुशी खुशी वो इधर आता है, कुछ मदद करवाता है, फिर चला जाता है पढ़ाई करता है, कुछ अपना स्कूल का काम करता है, फिर वापस आ जाता है। खुश भी बहुत है क्योंकि भैया उसकी फेवरेट चीज़ भी बन रही है, गोलगप्पे तो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, समोसे तो शायद ही उसने थोड़ा बहुत खाया लेकिन मेन उसने गोलगप्पे ही खाए हैं। मटर अच्छे से कुक हो गई थी तो फिर मैंने ये जो मैश आलू हैं ये ऐड कर दिए, थोड़े आलू मैंने बचा लिए हैं गोलगप्पे के लिए, और फिर हम इसके अंदर पनीर भी ऐड कर देंगे जो छोटा छोटा हमने कट करके रखा है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं गोलगप्पे बेल करके रख लूँगी। गोलगप्पे ना एक साथ आप सारे बेल करके रख लो क्योंकि आप उसको लगातार बेलते हुए और कढ़ाई मैनेज एक साथ नहीं कर पाओगे, बहुत जल्दी जल्दी वो बन जाते हैं, तो इसीलिए सारे एक साथ बेल के रखिए, फिर उनको कढ़ाई चढ़ा के और फ्राई करते जाइए निकालते जाइए। और साथ में यहाँ पे आटा प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, ये समोसे का जो आउटर लेयर है उसके लिए मैदा प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 3 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, साथ ही 3 कप मैदा है तो 3 से 3.5 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल या घी, जो भी आप ऐड करना चाहें, मैं ऑयल कर रही हूँ यहाँ पर ऐड।
मोयन को ना अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको भी हम सख्त टाइप का डो बना के ही तैयार कर लेंगे और फिर रेस्ट पे इसको हम 15-20 मिनट छोड़ देंगे। तो जब तक ये वाला डो रेस्ट करेगा तब तक यहाँ पे मैं अपने सारे गोलगप्पे फ्राई कर लूँगी और जैसे ही कढ़ाई खाली होगी गोलगप्पे से वैसे ही हमारे जो समोसे हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे ही मैंने प्लान किया, एक के बाद एक ऐसे काम किया कि मेरी कढ़ाई खाली ना रह पाए या फिर तेल गरम करने के बाद फिर उसे मुझे ठंडा ना छोड़ना पड़े। तो बस उसी प्लानिंग से चल रहा है और दोनों चीज़ें हमारी एक साथ ही खाने के लिए तैयार हो जाएंगी। कुल मिला करके ना मैंने 45 गोलगप्पे बेले थे जिसमें से 7 से 8 गोलगप्पे पापड़ी बन गए थे, बाकी सब अच्छे से फूल गए थे, थोड़े बड़े बड़े बन गए मेरे से, छोटे भी थे लेकिन ज़्यादातर ना थोड़े बड़े बड़े लोई वाले हो गए। तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि इतने बड़े ना बने, हालांकि खाए जा रहे थे, ऐसा नहीं था कि मुंह में फिट नहीं हो रहे थे, बट छोटे रहते ना थोड़े, तो कन्वीनियंट रहता है खाने में। इसको थोड़ा सेट करना पड़ रहा था मुँह के अंदर, बट बहुत मज़ा आया क्योंकि पानी ना बहुत ज़्यादा चटपटा तीखा बहुत अच्छा खट्टा पानी बन के तैयार हुआ था, वो भी मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया था। समोसे का आटा भी हमारा 15-20 मिनट रेस्ट कर चुका है, तो हल्का सा इसमें हाथ लगा के थोड़ा सा इसको गूंथ लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे समोसे बनाना, जो कि मैंने कई बार कैसे किस मेथड से मैं बनाती हूँ शेयर किया है। यहाँ पे थोड़ी ओवल शेप की आपको रोटी बेल करके तैयार करनी होती है, थिकनेस बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, और फिर बीच में से आप कट कर लो जैसे मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। फिर जो फ्लैट साइड होती है ना उस पर आपको ये लेई बोलते हैं, ये मैदा और पानी का मिश्रण होता है, इसे स्टिक करने के लिए आटे को यूज़ किया जाता है जब भी हम गुजिया बनाते हैं या समोसे बनाते हैं ऐसा कुछ। इससे इसको स्टिक करके अच्छे से दबा दीजिए ताकि ये खुले नहीं। फिर हम इसके अंदर डालते हैं पिट्ठी और इसको अच्छे से सील कर देंगे और बस ये हमारा समोसा बनके रेडी है। 4-5 ऐसे बना के फटाफट मैं तेल में छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर आराम से धीरे धीरे बनाती रहूँगी, क्योंकि इसको 12 से 18 मिनट लग जाते हैं, डिपेंड करता है किस साइज़ का समोसा आप बना रहे हो। तो मैं तो छोटे छोटे बनाती हूँ, कढ़ाई में भी फिट हो जाते हैं और खाने में भी अच्छे रहते हैं। चलिए बना लेते हैं इसका पानी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 ये तीखी वाली ग्रीन चिलीज़ ली हैं, ग्रीन रेड सब मिक्स हैं, इसमें पर्पल भी है तो वो मैंने ले लिया है। अदरक का एक टुकड़ा लिया है, साथ ही इसमें धनिया पुदीना साथ ही एक ही साथ धो के मैंने रखा था तो वो लिया है, लेकिन धनिया आपको लेनी है जैसे 2 कप आप धनिया ले रहे हो तो आप 3/4 कप पुदीना ले सकते हो, 1 कप थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 3/4 कप आप पुदीना ले लो। उसके बाद डलता है इसमें इमली का पानी, जो कि मैंने भिगो करके रखी हुई थी इमली, तो वो मैंने 1 कप के करीब इमली का पानी ले लिया है, वो ऐड कर दिया है इसके अंदर। इन सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया और फिर छन्नी से छान लिया। छानना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कितना भी आप महीन करके पीसो ना चीज़ों को मिक्सी में, इनमें रेसिड्यू रह ही जाता है। और ख़ासकर गोलगप्पे खाते समय होता क्या है कि वो आपके गले में आता है और आपको परेशान करता है, खांसी आ सकती है। तो गोलगप्पे का पानी जब भी बनाए छानना बिल्कुल ना भूलें। आप देख सकते हो कि एकदम किसी भी चीज़ में से भी पीछे से कितनी चीज़ें एज अ रेसिड्यू निकल जाती हैं। तो ये हमारा जो पानी का बेस है ये तैयार है, इसको और फ्लेवरफुल हम बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी। फिर यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ धनिया और भुना हुआ जीरा का पाउडर रखा हुआ था मेरे पास, वो काला नमक गया इसमें, थोड़ा सा सादा नमक भी आप साथ में डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने हींग डाली है, तो 1/2 छोटा चम्मच हींग ज़रूर ऐड करें, बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे। बूंदी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी, बहुत ही सिंपल सा पानी है लेकिन बहुत टेस्टी, फ्लेवरफुल, रिफ्रेशिंग और एकदम ये ताज़ा ताज़ा जो बना हुआ आता है ना, बहुत बहुत टेस्टी लग रहा था। और पता है मेरी मीठी वाली खट्टी मीठी इमली की जो चटनी है ना वो भी ख़त्म हो गई थी, बनाते बनाते एकदम से मुझे ध्यान आया अरे वो चटनी तो है ही नहीं, तो फिर मैंने जो इमली का पानी बनाया था ना फिर दूसरी तरफ मैंने वो चटनी भी थोड़ी सी बनाने के लिए रखा कि इसके साथ तो भाई चटनी चाहिए, तो वो भी रख दी थी तो वो भी बन गई, इसलिए फटाफट उसका कुछ शूट नहीं कर पाई। ऑलरेडी मैंने वैसे शेयर किया हुआ है कई बार। तो समोसे और गोलगप्पे दोनों हो चुके हैं रेडी। अब एक बाउल के अंदर मैंने यहाँ पे ले लिए हैं बॉयल आलू और इसके अंदर हम चीज़ें ऐड करेंगे, मसाले वसाले। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा नमक, भुना हुआ धनिया और जीरा का पाउडर भी मैंने डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, एकदम महीन छोटे छोटे कटे हुए प्याज, हरा धनिया
और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा इसमें पानी डालना मत भूलिए, जो आपने बना के तैयार किया है गोलगप्पे का पानी, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये हैंडल करने में भी इजी हो जाते हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं आलू। तो ये हमारे आलू तैयार हैं। आलू के साथ में मैंने आपसे बोला ना कि वो रखा हुआ है जो पीली वाली मटर होती है, वो रखी हुई है। तो ये मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, ये सिंपल अच्छी लगती है गोलगप्पे में, एकदम प्लेन। खाली नमक भी ऐड करके आप यूज़ करोगे तब भी अच्छी लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फ्लेवर हैं हमारे पास। लेकिन इसमें थोड़ा हरा धनिया, प्याज, लाल मिर्च और नमक वगैरह चाहें तो आप हल्का सा ऐड कर सकते हैं। और ये गोलगप्पे कुछ इस तरीके से बना के खा के देखिए। थोड़ी सी आलू की पिट्ठी, उसके बाद जो मटर हमने करी थी वो ऐड करेंगे, थोड़ी सी डालेंगे मीठी चटनी। खट्टा पानी सिर्फ पसंद है तो सिर्फ खट्टा पानी आप यूज़ करिए ये वाला। अगर मीठे के साथ अच्छा लगता है, जैसे मुझे खट्टा मीठा पसंद है, तो आप मीठी चटनी इसमें ऐड कीजिए और इसको इंजॉय कीजिए। यम्मी टेस्टी बढ़िया से गोलगप्पे, भाई मज़ा आ गया खा के इनको। ज़्यादा से दर्द परेशान है। कौन खाया वो गुंडे को ऐसे? वहाँ तक नहीं ला सकते थे। भाई सब कैमरा से अच्छा। ये मैं यहाँ से कहूँ। क्या हुआ? सांस नहीं आ रही क्या? गुंडे खा के। कैसा है पानी? तीखा? पापा सो रहे थे, मैंने सारा यहाँ ला के इकट्ठा करके रखा, बहुत कोशिश की उनको उठाने की, नहीं उठ रहे थे, इतनी गहरी नींद सो रहे थे, बार बार आंखें खोल के सो जा रहे थे। तो फिर उनको सोने दिया हमने, हमने कहा चलो हम लोग तब तक खाते हैं, फिर जब पापा उठेंगे तो उनको खिला देंगे। एकदम फुल स्पीड में बनाओ, जैसा भी बनाना है यार वो भी मिलाओ, सब कुछ मिलाकर एक बार बस आलू मत खिला दो। इतनी जल्दी खा गया? ठेला लगाया हमारा, ठेला गोलगप्पे का ठेला, 10 रुपए प्लेट है माँ, 10 रुपए प्लेट है, सस्ता बेच रहे हैं फिर भी। हम सस्ता है नहीं तो 20 रुपए के 4 मिलते हैं। दादा को सोने ही दो, उनके हिस्सा काम खा लेते। और बनेंगे गोलगप्पे? मेरे लिए बहुत बड़े दे रहा, छोटे दादी को दे रही हूँ ना, छोटे हैं नहीं ज्यादा। गोलगप्पे समोसे अच्छे से इंजॉय करने के बाद पेट अच्छे से भर लिया और फिर हम लोग अपना अपना आराम कर रहे थे। पापा ने भी खा लिया था, पापा भी उठ गए थे, खा लिया था उन्होंने। उसके बाद फिर ऐसे ही सिद्धार्थ के बारे में कुछ कुछ बातें हो रही थी, तो फिर मैंने ना वीडियोस लगा दी उसकी बचपन वाली लैपटॉप पे, तो सारे लोग बैठ के वो देख रहे थे, इतनी हंसी भी आ रही थी। और वो टाइम याद करके थोड़ा अलग सा लगता है ना, माँ पापा भी बड़े खुश हो रहे थे देख करके वीडियोस। दाल मूंग का दाल आया था तो बहुत दिन का हो गया था, थोड़ा अच्छा नहीं था खाने में, तो वो रखा हुआ था, उसी से खेलता। अभी क्या कर रहे बेटा? पहले आपने सारी दाल बिखराई, अब उसके बाद झाड़ू लगा रहे हो? झाड़ू लगा
तो बस कुछ ऐसे ही स्पेंड किया हमने अपना पूरा संडे, खाया पिया, आराम किया, फैमिली टाइम स्पेंड किया, पूजा पाठ किया। तो होपफुली आप लोगों ने ये व्लॉग इन्जॉय किया होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।